हेलो एवरीवन। तो फाइनली एफएमसी की मेरिट लिस्ट आ चुकी है 2022 की। देख सबसे पहले आप अपना नाम इसमें सर्च कर सकते हो। इस बार इन्होंने नाम नहीं दिया, रोल नंबर दिया है। तो सबसे पहले अपना रोल नंबर सर्च करो, आपको पता चल जाएगा कि आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है या फिर मेरिट लिस्ट में है। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में तो काफ़ी बढ़िया बात है, बट इस बार वेटिंग लिस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा जाने की चांसेस है। तो अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो भी कोई बुरी बात नहीं है। तो बॉयज़ मेरिट में 115 तक बॉयज़ मेरिट रैंक्स है, इस पर बॉयज़ वेटिंग रैंक भी दी गई है। इसके बाद गर्ल्स मेरिट्स रैंक है जो कि 1 से लेकर 30 तक है। इसके बाद गर्ल्स वेटिंग रैंक में 45 तक दिया गया है। तो ये मेरिट लिस्ट आज के आ जाएगी 6 नवंबर 2022 को संडे के दिन। सबसे पहले इसके टॉप इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन दिया गया है कैंडिडेट्स को जिन्होंने इतना बढ़िया परफॉर्म किया, सबसे पहले नीट के एग्जाम में, उसके बाद एफएमसी की स्क्रीनिंग में जाने के बाद। इसके बाद इन्होंने रिपोर्टिंग का शेड्यूल बताया। सबसे पहले जो बॉयज मेरिट में स्टूडेंट्स है 1 से लेकर 115 रैंक तक और गर्ल्स मेरिट में स्टूडेंट्स है 1 से लेकर 30 रैंक तक। तो सबसे पहली बात ये कही गई है कि 10 नवंबर को सिर्फ 5 बजे तक का टाइम रहेगा मेरिट वाले स्टूडेंट्स को यहाँ आकर रिपोर्ट करने का। अगर वो रिपोर्ट नहीं करते हैं तो ये सारा मौका मिलेगा वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स को। तो सेकंड इंस्ट्रक्शन में ये बताया गया कि 14 नवंबर को वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। किन स्टूडेंट्स को वेटिंग लिस्ट में जाना है, ये वाली लिस्ट आ जाएगी 10 तारीख को रात 8 बजे। तो 10 तारीख को रात 8 बजे ये लिस्ट आ जाएगी कि कितने वेटिंग स्टूडेंट्स को बुलाने जाने वाला है और आपको एफएमसी में रिपोर्ट करना है 14 नवंबर को। तो अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है, आपको रिपोर्ट करना है 14 नवंबर को और आपकी लिस्ट आ सकती है 10 तारीख को रात 8 बजे। और उसके बाद वही कहा गया कि सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी रहनी चाहिए। आपने वाली सारी क्राइटेरिया पूरी पहले ही कर चुकी है, बट उन लोग इसको एक बार वापस से टेस्ट कर सकते हैं। तो सभी लोगों को कहाँ जाना है, सभी लोगों को डीन ऑफिस के सामने एडमिशन सेल है वहीं पर जाना है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है या फिर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप एफएमसी में डायरेक्ट ईमेल करके पूछ सकते हो। और रेगुलरली कहा गया कि आप इन वेबसाइट्स को देख सकते हो। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दी मेरिट लिस्ट स्टूडेंट्स जिसका नाम मेरिट लिस्ट में डायरेक्ट आ चुका है। अब आपके पास ऑप्शंस है, या तो आप एफएमसी ज्वाइन कर सकते हो या आप चाहो तो एफएमसी नहीं ज्वाइन करके कोई और कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। ये सीट वेटिंग लिस्ट वाले किसी अच्छे स्टूडेंट को मिल सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल दी मेरिट लिस्ट स्टूडेंट्स एंड वेटिंग लिस्ट स्टूडेंट्स। आप सभी के साथ मिलता हूँ जल्दी किसी और वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, कीप हसलिंग। जय हिंद।